नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा, हर्यक वंश और हर्यक वंश में अजाशत्रु और अजाशत्रु के उत्तराधिकारी आज हम पढ़ेंगे अजाशत्रु के उत्तराधिकारी। जैसा कि पहले के व्याख्यान में पढ़ा कि हर्यक वंश में जो बिंबिसार था और बिंबिसार के बाद जो अजाशत्रु था, बिंबिसार की मृत्यु अजाशत्रु के द्वारा की गई और अजाशत्रु की मृत्यु उसके पुत्र के द्वारा उदयन के द्वारा की गई। तो उदयन भी अपने पूर्वजों की भांति साम्राज्यवादी था। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार उसने अपने शासन के चौथे वर्ष कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र नामक नई राजधानी का निर्माण कराया। अजाशत्रु की विजयों से विशाल साम्राज्य हेतु पाटलिपुत्र उपयुक्त राजधानी थी। ये पश्चिम से पूर्व में जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। अवंती के प्रोद्योत के पुत्र पालक से इसका कई बार संघर्ष हुआ और उसे उदयन ने परास्त भी कर दिया, किंतु अवंती पूर्णतः परास्त कर दी गई ऐसा कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता। एक बार जब वह अपनी राजधानी में जैन उपदेश का ध्यान मगन प्रवचन सुन रहा था, तभी एक जैन वेशधारी साधु ने उसकी हत्या कर दी। संभवतः इसके पीछे अवंती के शासक पालक कहा था। उदयनी धर्मावलंबी था। उसने कुसुमपुर में एक चैतालय का निर्माण भी कराया था। पुराणों के अनुसार उदयन के पश्चात नंदीवर्धन एवं महानंदी शासक बने, किंतु बौद्ध स्रोत दीपवंश के अनुसार उदयन के उत्तराधिकारी क्रमश अनुरुद्ध मुंडक एवं नाददशक थे। ये तीनों क्रम पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। इस प्रकार पितृघाती शासकों की परंपरा ने जनता में इस वंश के प्रति घोर घृणा उत्पन्न कर दी, वहीं साम्राज्य को निर्बल भी किया। ऐसी दशा में हर्यक वंश या नागवंश की एक अन्य शाखा के मंत्री शिशुनाग ने अंतिम हर्यक शासक नागदाशक को हटाकर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, यहाँ पर हर्यक वंश समाप्त होता है और एक नया वंश शुरू होता है, नागवंश। ठीक है, नागवंश यानी हर्यक शासक का अंतिम शासक कौन था? नागदाशक, और उसकी हत्या की थी शिशुनाग ने। आप शासक को आप जरूर नोट करें, तो इससे जितने भी आपके आगे जो क्वेश्चन आते हैं एक एक लाइन वाले, वो अभी हाथों हाथ ये याद हो जाते हैं। इसको आप एक डायरी में नोट करके रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि मगध साम्राज्य का प्रथम चरण आपने देखा कि हर्यक वंश पे समाप्त हुआ। द्वितीय चरण है वो है नागवंश, और नागवंश में सबसे सर्वप्रथम शासक है शिशुनाग। शिशुनाग का जो कार्यकाल है 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। अंतिम हर्यक शासक नागदाशक को परिवार सहित देश निष्कासित कर जनता एवं मंत्रियों के समर्थन से शिशुनाग मगध की गद्दी पर बैठा था। ये काशी प्रांत का राज्यपाल एवं मगध का आमत्य रहा। बच्चों, यह आमत्य से मतलब होता है सेनापति। अतः इसमें कुशल प्रशासनिक योग्यता थी। इसके साथ ही उसमें साम्राज्यवादी भावना विद्यमान होने के कारण उसने सर्वप्रथम अवंती पर आक्रमण किया। अवंती का शासक अवंतीवर्धन शिशुनाग द्वारा परास्त कर दिया गया। इस प्रकार अजाशत्रु के अधूरे कार्य को इसने पूर्ण कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अवंती को मगध में मिलाने से कौसाम्बी एवं वत्स पर भी उसका अधिकार हो गया। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर गिरिवर्ष को अपनी राजधानी बनाया, किंतु लिच्छवी राजा का पुत्र होने से वैशाली के प्रति उसका लगाव था, इसलिए उसे मगध की दूसरी राजधानी का दर्जा दिया गया। तो आप इसे नोट करेंगे कि वैशाली को उसने दूसरी राजधानी का दर्जा दिया। कालांतर में उसकी वास्तविक राजधानी वैशाली हो गई। 18 वर्षों तक शासन करने के पश्चात 396 काकवण, ये काले रंग का होने के कारण इतिहास में से कालाशोक और काकवण यानी कोवेसा रंग शासन भी कहा गया है, इसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों से विदित होता है कि कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में बालिकाराम विहार में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। आप नोट करेंगे
प्रथम बौद्ध संगीति अजाशत्रु के काल में हुई, जो किस वंश का था? हर्यक वंश का। और द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? कालाशोक के समय, जो किस वंश का था? नाग वंश का था। इस संगीति के बाद बौद्ध धर्म में विभेद हो गया तथा वे दो संप्रदायों में बट गया, एक हीनयान व दूसरा महायान। उसकी मृत्यु के विषय में बाण ने अपने हर्ष चरित्र में लिखा है कि राजधानी के समीप ही किसी ने उसके गले में कटार घोप कर उसे मार डाला। ऐसा प्रतीत होता है कि कालाशोक भी हर्यक वंश के शासकों के समान किसी षड्यंत्र का शिकार हो गया। उसके बाद है कालाशोक के उत्तराधिकारी, तो महाबोधि वंश नामक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि कालाशोक के पश्चात उसके 10 पुत्रों भद्रसेन, कौसंडवन, मुंगे, सर्वजय, जानिक, उभक, संजय, कौरवे, नंदीवर्धन तथा पंचमंक ने सम्मिलित रूप से शासन किया। किंतु सम्मिलित शासन की परंपरा का उल्लेख हमें भारतीय राजनीति में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये हो सकता है कि कालाशोक की हत्या के पश्चात एक के बाद एक राजा सिंहासन पर बैठे और उतारे गए। अंततः इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर महापंदम ने नंद वंश की शुरू होता है, वो है नंद वंश। ये मगध साम्राज्य के विकास का कौन सा चरण चालू हो गया? यहाँ पे तृतीय चरण। पहला हर्यक वंश, फिर नागवंश और तीसरा है नंदवंश। इसका जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो है महापदम नंद या उग्रसेन। नंदवंश के संस्थापक के वंश के बारे में मतभेद है। जैन स्त्रोत पृष्ठ पर्वन के अनुसार महापदम नंद एक वेश्या से उत्पन्न नाई का पुत्र था। इसी प्रकार यूनानी साहित्य भी महापदम की निर्मल वंश से उत्पत्ति की पुष्टि होती है। कटियर्स ने लिखा है कि नंदवंश का संस्थापक नाई था, जो दिन भर की कमाई से किसी तरह पेट भरता, किंतु अपने आकर्षक रूप के कारण वह रानी का कृपा पात्र बन गया। उसी की अनुशंसा पर राजा का विश्वसनीय हो गया, किंतु बाद में छल पूर्वक राजा की हत्या कर राजकुमारों के संरक्षण के बहाने सारी सत्ता अपने अधिकार में करते हुए राजकुमारी को मौत के घाट उतार कर खुद राजा बन बैठा। ये इतिहास में होता आया है। आधुनिक इतिहासकारों का विचार है कि शिशुनाग वंश के जिस राजा की हत्या की गई वे कालाशोक था, जिसके पुत्रों का संरक्षक बनने के बहाने नंदराज ने उनका राज्य हड़प लिया। पुराणों में उसे शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदी या नंदवर्धन की शुद्ध पुत्री का पुत्र बताया है। डॉक्टर आर एस त्रिपाठी लिखते हैं कि इन विरोधी ऐतिहासिक पाठों में तथ्य चाहे जो भी हो, अब इतना तो अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि महापद या बौद्ध ग्रंथों का उग्र से निम्न जाति का था, जो अपना गौरव छीन लिया। पुराणों के अनुसार महापदम नंद भी क्षत्रिय कुल के राज्यों को नष्ट कर दिया। ईशावंकु, पांचाल, है कलिंग, अश्मक, काश्य, कुरु, मैथिली, सूरसेन, विदही आदि राजवंशों के राज्य महापदम द्वारा मगध में मिला लिए गए थे। इस प्रकार पंजाब से पूर्व का संपूर्ण भारत, मालवा तथा दक्षिण में गोदावरी नदी तक का क्षेत्र नंद शासन में सम्मिलित था। इस साम्राज्य विस्तार से यह स्पष्ट होता है कि महापदम नंद शक्तिशाली शासक था। इसने बिंबिसार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य की पूर्ति की, वही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित भारतीय समाज की आधारशिला बनाने में योगदान दिया। उसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अपार धन एवं विशाल सेना का गठन किया। नंदों के अतुल ऐश्वर्य के बारे में चीनी यात्री हेनसांग ने चर्चा करते हुए उन्हें उनके 7 प्रकार के अमूल्य रत्नों की 5 निधियों का संकेत दिया। मुद्रा राक्षस एवं कथा सरित सागर में नंदराज द्वारा 900 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित करने का उल्लेख किया। कटियर्स के अनुसार उसकी सेना में 20,000 अश्वरोही, 2,00,000 पैदल, 2,000 रथ एवं 3,000 हाथी थे।
उसके पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। उसके द्वारा छोड़ी गई विशाल सेना के बह से भी उसके उत्तराधिकारी काल में विश्व विजेता सिकंदर व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ा। डॉक्टर आर सी मजूमदार के अनुसार उसकी मृत्यु 336 ईसा पूर्व में हुई थी। महापद्म नंद के उत्तराधिकारी। हिंदू जैन तथा बौद्ध सभी स्रोत ये स्वीकार करते हैं कि नंद वंश के नौ शासकों ने 12 वर्ष तक के बारे में अधिक ज्ञात नहीं है। केवल इस वंश के अंतिम शासक धनानंद के ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धनानंद सिकंदर का समकालीन नंद शासक था। धनानंद यद्यपि विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का संरक्षक रहा, किंतु धन के लालच और ब्राह्मणों की उपेक्षा, क्षत्रियों का उन्मूलन, निरंतर सैनिक कार्यों से सैनिक असंतोष, प्रजा पर मनमानी कर आदि के वातावरण जहाँ आप अपरोक्ष नंद शासन को खोखला कर दिया, वहीं चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश को आक्रमण द्वारा नष्ट कर दिया। इस प्रकार भारत में मौर्य वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार इस वंश का अंत 324 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के मध्य हो गया। आपने देखा कि नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? धनानंद। धनानंद के पास विशाल साम्राज्य है, सेना है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या है? वो ब्राह्मणों का विरोधी है, शत्रुओं को वो नष्ट करना चाहता है। उसके साम्राज्य में कोई भी खुश नहीं है, प्रजा पर उसने बहुत सारे कर लगा रखे हैं। और दूसरी बात, उसने चाणक्य के उसके दरबार में जब आया तो उसने उसका अपमान कर दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण से घृणा करता था। तब चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य का नाम दिया गया है, ये एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है, तो उसने वहाँ भरे दरबार में ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं नंद वंश को समूल नष्ट ना कर दूँ, तब तक मैं अपने बालों को नहीं बांधूँगा। और उसने ये कर दिखाया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य राज्य साम्राज्य की गद्दी पर बिठाया, नंद वंश का अंत किया और एक प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो चंद्रगुप्त पड़ा हो। तो वर्ण व्यवस्था उस समय जो थी वो कर्म के आधार पर नहीं थी, जन्म के आधार पर। आज तो कोई भी व्यक्ति अगर ब्राह्मण बन सकता है, अगर उसे संस्कृत का ज्ञान है तो पाठ पूजा हवन भी करा सकता है, चाहे वो कोई से भी कुल में पैदा क्यों न हो। लेकिन उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पे आधारित थी। जैसे कि क्षत्रिय कुल में कोई पैदा हुआ है तो उसका कार्य है कि युद्ध करना और सीमाओं की रक्षा करना। अगर ब्राह्मण कुल में कोई पैदा हुआ है तो उसका कार्य है पाठ पूजा कराना और हवन कराना। वैश्य कुल में पैदा हुआ है तो उसका कार्य है व्यापार और वाणिज्य करना। शूद्र में इन तीनों वर्गों की सेवा करना था, जिसे निम्न माना गया है। इस कारण कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लेकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नंदों के विनाश में केवल यही एक प्रमुख कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे। कि एक तो ये था, आपने देखा कि नंद वंशीय शासक थे वो शूद्र थे। तत्कालीन सामाजिक संरचना में नंद शासकों के प्रति श्रद्धा व स्नेह ना था। नंदों ने पुराने धार्मिक और सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने पुराने धर्म को छोड़कर संभवतः जैन धर्म अपनाया। ब्राह्मण धर्म के अनुसार उन्होंने अपना राज्य अभिषेक नहीं करवाया और इससे रूढ़िवादी ब्राह्मण उनसे अप्रसन्न हो गए। नंदों द्वारा क्षत्रिय राज्यों के उन्मूलन से क्षत्रिय उनसे नाराज थे। नंद शासकों ने जनता से अत्यधिक कर वसूल किया। विशेष रूप से धनानंद अत्यंत लालची था, उसकी इस नीति से जनता में अधिक रोष था। नंद वंश का पतन का एक तत्कालीन कारण राजनीतिक पूर्वक किया। जनता नंद शासकों के अत्याचारों एवं राज दरबारों के लोग से पहले ही नाराज थी। इस प्रकार नंद राजाओं की निम्न उत्पत्ति
उग्र सैनिक नीति आदि करों के कारण जनता में अव्याप्त असंतोष का लाभ उठाते हुए चाणक्य व चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फिर तीसरे चरण की जो है मगध के साम्राज्य में तीसरे चरण का अंत होता है और एक नए वंश की स्थापना होती है। और नए वंश में आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे होती है। उससे पहले हम मौर्य साम्राज्य पढ़े, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे नंद साम्राज्य का महत्व। तो नंद वंश की स्थापना से एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना संभव हुई। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघकर पार की गई। ये साम्राज्य बहुत विस्तृत राज्यों एवं या ऐसे सामंतों का शिथिल संगना था जो किसी शक्तिशाली राजा के बल के सम्मुख नतमस्तक होते हैं। सामाजिक दृष्टि से नंद राजाओं का शासनकाल अत्यंत महत्व रखता है। सामाजिक दृष्टि से इस निम्न वर्गों के उत्कर्ष का प्रतीक माना जा सकता है। सामरिक व सैनिक दृष्टि से नंद साम्राज्य का महत्व इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की जिसका उपयोग पर्वती मगध राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने तथा भारतीय सीमा में अपने राज्य का विस्तार करने में किया। आर्थिक दृष्टि से भी इस युग का महत्व है। देश के विभिन्न भागों से प्राप्त आहत मुद्राओं पंचमार्ट सिक्के से इस काल की समृद्धि का संकेत मिलता है। नंदों की अतुल संपत्ति की चर्चा कथा सरिता गर्मुद्रा राक्षस में आदि में होती है। नंदों की इस अतुल संपदा के दो बड़े कारण थे। गंगा घाटी की संपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र पर यहाँ से जाने वाले व्यापारिक मार्गों पर उनका अधिकार था। साथ ही उन्होंने अनेक वस्तुओं पर कर भी लगा रखा था। आर्थिक समृद्धि के कारण ही नंद विशाल सेना खड़ी करने में सफल हुए। मगध की आर्थिक समृद्धि ने साम्राज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैन धर्म के प्रति नंदों का झुकाव होने के बावजूद नंदों की धार्मिक सहिष्णुता का संकेत इस बात से मिलता है कि उनकी दानशाला की व्यवस्था ब्राह्मण विद्वानों की संघ के हाथ में थी। दूसरे उनके धार्मिक अत्याचारों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया। व्याकरणचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। उन्होंने पाटलिपुत्र में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। वर्ष उपवर्ष वरु रुचि कात्यान जैसे विद्वान भी नंद काल में उत्पन्न हुए। आप इसको नोट करिए, वर्ष उपरुचि पाणिनि इनको नंद शासक जैन मत के पोषक थे तथा उन्होंने अपने शासन में कई जनमंत्रियों को नियुक्त किया। इनमें प्रथम मंत्री कल्पक था जिसकी सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षेत्रों का विनाश किया। धनानंद के जैन आमत्य शाकाटल व स्थूल भद्र थे। मुद्रा राक्षस में भी नंदों का जैन मत्ता अनुयायी होना सूचित होता है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि बुद्धकालीन राजतंत्रों में मगध ही सर्वाधिक शक्ति संपन्न साम्राज्य के रूप में उभर के सामने आया। इसके लिए मगध के शासकों की शक्ति के साथ साथ प्राकृतिक कारण भी कम सहायक नहीं थे। मगध की दो राजधानियां थी, इस प्रकार पहाड़ों तथा नदियों के तत्कालीन परिवेश में मगध सुरक्षा भीति कार्य किया। सीमावर्ती वन प्रदेश से मगध के शासकों में हत्तियों को प्राप्त कर एक शक्तिशाली गज सेना का गठन किया। मगध क्षेत्र में कच्चा लोहा तथा तांबा जैसे खनिज पदार्थों की बहुलता थी। लोहे का समृद्ध भंडार आसानी से उपलब्ध होने के कारण मगध के शासक अपने लिए अच्छे हथियार तैयार कर सके जो विरोधियों को आसानी से सुलभ नहीं थे। मगध के पूर्वी भाग में उत्तरी पथ व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित किया जा सकता था। इस प्रकार मगध के इस आर्थिक समृद्धि ने साम्राज्यवाद के विकास में प्रमुख योगदान दिया। तो बच्चों, आपने यहाँ पे पढ़ा मगध वंश का तीन चरण, और तीनों चरण में तीनों वंशों के बारे में, उनके उत्तराधिकारियों के बारे में। मैं आपको अगले जो व्याख्यान में है उसमें बौद्ध साहित्य के अनुसार मगध में बिंबिसार से नंदो तक के राज्यों का राज्यकाल के एक इंडेक्स भी आपको उसमें दे दूंगी और आप इसको नोट करके लिखेंगे और आगे इसको याद करेंगे। धन्यवाद।